हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज है ना शाम का टाइम है और मतलब अभी क्या 8 बज रहा है। मेरे हस्बैंड आगरा से चले हैं, वो गए हैं मीटिंग के लिए। तो मैंने पूछा कि आप क्या खाओगे, तो वो पता है क्या बोल रहे हैं? दल पिट्ठी बना दो। गाइस, इतना आसान नहीं होता दल पिट्ठी बनाना। मुझे ना बिल्कुल भी दल पिट्ठी खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन उनको इतना पसंद है ना दल पिट्ठी कि मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया है अभी इस टाइम। बताइए, इतना रात हो गया है, देखिए कितना रात हो गया है, देखिए। कैंडी कैंडी को देखिए, सो रहा है। तो गाइज, इतना रात में दल पिट्ठी बनाना मेरे लिए संभव नहीं है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और गाइज, आप लोग मुझसे क्या क्या पूछना चाहते हो मेरे बारे में और क्या क्या जानना चाहते हो, प्लीज़ इसके नीचे आप कमेंट्स करना। मैं है ना सबका कमेंट का रिप्लाई दूंगी, क्योंकि मैसेंजर में मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, बहुत सारा मैसेज आता है, हज़ारों मैसेज भरा रहता है, तो किसका रिप्लाई दूँ किसका ना दूँ। तो प्लीज़ गाइज, मुझे माफ़ कर देना। और आपको जो पूछना है प्लीज़ ये कम, मैं जा रही हूँ अभी, पता है मैं जा रही हूँ अभी दल पिट्टी बनाने। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। और अंश अभी पढ़ाई कर रहा है, अंश अभी पढ़ाई कर रहा है गाइज। तो कौन किसके किसके हस्बैंड ने ना दल पिट्ठी खाना पसंद करते हैं? मेरे घर में तो मेरा भाई वाई पापा वापा नहीं खाना पसंद करते थे, पर यहाँ पे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, पता नहीं क्या है। और मेरा बच्चा भी है ना, सुबह से स्कूल से आया, कुछ भी नहीं खाया ना, टिफिन खा के है। देखिए, मैंने ब्रेड सेक के दिया, वो भी नहीं खा रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। क्या हो गया आज तुमको, क्या हो रहा है पेट में, बोलो क्या हो रहा है? दर्द कर रहा है पेट? दर्द नहीं कर रहा, जैसे हो रहा है थोड़ा थोड़ा दर्द गैस भर गया है क्या पेट में? जवाइन पानी दूं? पियोगे जवाइन पानी? तो गाइस, पता नहीं अंश के पेट में क्या हो गया है, जवाइन पानी थोड़ा सा ऐसे ऐसे छूने पे कड़क कड़क लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं जा रही हूँ अंश को जवाइन पानी और नमक बनाना। तुम्हारी मैडम भी नहीं है? अंश की मैडम 8 बजे आती है पढ़ाने। 8:15 हो गया, अभी तक नहीं आई। तो जमाइन पानी कैसे बनाएंगे? तो जमाइन थोड़ा सा पानी में है ना जमाइन को गर्म कर देंगे, मतलब जितना मतलब बॉयल हो जाएगा। उसके बाद मतलब मैंने एक आधा ग्लास पानी लिया है ना, तो इसमें मैं क्या करूंगी ना, मम्मी को देखती थी, उन वो लोग क्या करती थी, जैसे जमाइन पानी में है ना, मेरा पता है गैस भी खत्म हो गया। और गैस है ना ऑनर ने बाहर लगा के रखा है, गैलरी के बाहर। मैंने ऑनर से बोला भी था, देखिए मेरा एक्स्ट्रा गैस इसमें रखा हुआ है, दिख रहा होगा रखा हुआ है गैस। लेकिन ऑनर है ना गैलरी में गैस लगा के दिया है, वो है ना यहाँ पे, जबकि गैस लगाने वाला बना हुआ है, फिर भी उन्होंने नहीं बना के दिया है। तो मैं बाहर से कैसे उतना हेवी गैस ढो कर लाऊं, और मेरे पति भी नहीं आ रहे सुबह से, मुझे इंडक्शन। कैंडी मेरे शाम होते होते अपने डैडू को खोजने लगता है ना, कैंडू बच्चा। तो गाइज, मैं वही बोल रही थी कि यहाँ पे जो गैस लगा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे इसका पाइप लगा हुआ है, तो बाहर से गैस अंदर मतलब बाहर गैस रखा हुआ है गैलरी में, यहाँ से पाइप इन्होंने दिया है, और यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं, अपना भरा हुआ गैस अंदर रखते हैं। इनका कहने का मतलब है ऑनर का कि अगर आग लगेगा तो गैलरी में लगेगा, घर में नहीं लगेगा। तो बनवाया क्यों गैस रखने वाला, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। बाहर ही बनवा लेते किचन, तो बाहर ही आग लगता, घर में नहीं लगता, ये भी कोई सोचता है क्या?